दोस्तों, आज मैं बहुत खुश भी हूँ और थोड़ा सा दुखी भी हूँ, क्योंकि दोस्तों खुश इसलिए हूँ क्योंकि दोस्तों आज ये मेरा सेट एक साहब ने मुझसे परचेज कर लिया है, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैंने जितने उनसे पैसे मांगे उन्होंने तुरंत जो है मुझे पेमेंट कर दी, और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि इसे कम करो या ज़्यादा है, क्योंकि उन्हें ये रेडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद था। इसलिए दोस्तों वो भी बहुत सालों से इसे ढूंढ रहे थे तो उन्हें मिल नहीं रहा था, तो आज दोस्तों मेरे ज़रिए उन्हें भी ये खुशी हासिल हुई, तो वो भी बहुत खुश है और उन्होंने मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि मैंने उन्हें ये रेडियो का शौक़ जो था उनका वो मैंने पूरा कर दिया। तो दोस्तों मैं आज दुखी इसलिए हूँ क्योंकि दोस्तों ये रेडियो मेरे पास 9 साल से मेरे घर में था, रोज़ मैं इसमें कुछ ना कुछ जो है रेडियो में जो प्रोग्राम है जैसे विविध भारती FM और कई, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों ये 9 बेल रेडियो है, ये सोनी कंपनी का जो है अर्थ ऑर्बिटर जो कि 9 बैंड का रेडियो दोस्तों, ये अपने टाइम पे ये लगभग दोस्तों ये 70 के ज़माने का 70 ख़त्म होते होते 80 जब लगने वाला था, जैसे 78 सन 78 या 79 के दौर का ये बहुत ही जो है फेमस जो उस ज़माने का पॉपुलर रेडियो है, जो नंबर 1 पे चला था, जिसका रेटिंग इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी दोस्तों उस वक्त, लोग हर कोई चाहता था कि उसके पास ये रेडियो हो, क्योंकि दोस्तों इसकी जो फ्रीक्वेंसी सेटिंग थी वो बहुत अच्छी थी, बैंड भी इसमें ज़्यादा थे और स्टेशन भी इसमें देश विदेश के सभी जगह के बहुत ही क्लियर और बहुत ही एडजस्टेबल ये रेडियो है दोस्तों, तो इस वजह से जो है इसकी पॉपुलैरिटी जो बहुत ज़्यादा थी, तो इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा थी दोस्तों उस ज़माने में 70-80 के ज़माने में दोस्तों। लेकिन जैसे जैसे समय बदला दोस्तों, आगे आगे जो है टेक्नोलॉजी ने जो अपने कई रूप बदल लिए, तो खैर ये तो थी पुरानी बातें दोस्तों, मैं अभी की बात करता हूँ। तो दोस्तों आज मैंने सोचा क्यों ना अपने मन की बात आप लोगों से शेयर करूँ, तो मैं दोस्तों आज खुश भी हूँ और थोड़ा सा दुखी भी हूँ, क्योंकि ये मेरा भी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट रेडियो था, जिसको मैं किसी को देकर थोड़ा सा तो मैं दुखी हूँ, पर कोई बात नहीं, मेरा काम ही यही है दोस्तों, किसी से खरीदना तो किसी को बेचना, तो कई लोग जो है बेचकर खुश होते हैं और मैं खरीद कर खुश होता हूँ, और कई लोग जो है मुझसे जो है वापस लेकर खुश होते हैं, तो ये सिलसिला तो चला ही रहता दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं जिन शख्स के लिए ये रेडियो पैकिंग करके भेज रहा हूँ, तो मैं सोचा आज क्यों ना थोड़ा सा मैं आप लोगों को जो है मैं पैकिंग कैसे करता हूँ और किस तरह से इसमें इसकी जो है जो डब्बे के अंदर किस तरह से मैं पैक करके सेटिंग करता हूँ और किस तरह से मैं इसको जो है कुरियर तक पहुँचाता हूँ और उसके बाद जो है आपके हाथों में जो है कैसे सुरक्षित पहुँचता है, तो आज मैं यही दिखाने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो ध्यान से कीजिए, देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको भी काफ़ी हो सकता है कि कुछ आपको भी नॉलेज मिले, क्योंकि दोस्तों कभी ना कभी कुछ ना कुछ आपको भी कहीं ना कहीं भेजने की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, क्योंकि अगर आपको पैकिंग का तरीका अगर पता रहेगा तो आपको भी हो सकता है भविष्य में कुछ ना कुछ मेरा ज्ञान आपके काम आ सकता है, जिससे कि दोस्तों आप भी अपना कोई भी सामान किसी भी दोस्त रिश्तेदार या कोई भी ख़रीदार के पास जो है बिल्कुल जो है सेफ भेज सकते हैं ओनली 1 पीस में। वरना दोस्तों अगर आपको पैकिंग वगैरह नहीं आती है, आपने नहीं सीखी है, आपने नहीं की है, तो चीज़ जो है दोस्तों वो सफ़र में टूट जाती है और जो है ख़रीदार के पास जो है वो कई टुकड़ों में पहुंचती है, तो वो भी बेचारा दुखी हो जाता है और दोस्तों वो आपको कोसेगा ही कोसेगा। इसलिए दोस्तों मेरी आपसे एक विनती है, आप मेरा वीडियो ज़रूर देखते हैं जितना भी देखते हैं, लेकिन दोस्तों आप मेरे को सब्सक्राइब नहीं करते, मेरे वीडियो को लाइक नहीं करते, तो मेरी आपसे जो बहुत
दिल से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि मेरी वीडियो को लाइक भी करें और हो सके शेयर भी करें, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इससे सब्सक्राइब करेंगे आप तभी मुझे मेरा मेहनताना मिलेगा दोस्तों, वरना मैं ऐसे ही मेहनत करता चला जाऊँगा। तो चलिए दोस्तों पैकिंग शुरू कर देते हैं। ये लीजिए दोस्तों हमारा कीमती पार्सल, अब बिल्कुल रेडी हो गया है अपने सफर में जाने के लिए। और दोस्तों ऐसी मेरी तरह पैकिंग कीजिएगा, इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है। तो मैं बता दूं दोस्तों आज का हमारा पार्सल कहाँ जा रहा है। ये जा रहा है दोस्तों श्री लालजी भाई, जो कि मोरबी गुजरात के हैं। लालजी भाई अंट्रेसा जिनका नाम है, तो ये मोरबी गुजरात जा रहा है दोस्तों। आज मैं आज इसे इंडियन पोस्ट से सेंड करने वाला हूँ। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा आपको आज का मेरा ये पार्सल सोल्ड पैकिंग का वीडियो कैसा लगा, और हो सके तो दोस्तों लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत।